Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है लाइक वी हैव द इंस्ट्रक्शन सेट. इंस्ट्रक्शन सेट मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर, हर कोई कंप्यूटर कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, उनको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस. और जितनी इंस्ट्रक्शंस एक कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है उन सब को एक सेट में अगर हम रखेंगे उनके कलेक्शन को हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं. देन देयर इज यूपीएस. यूपीएस होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो आपको पता है कि अगर यूजली आपके आज लैपटॉप में तो बैटरी होती है, लेकिन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते थे उनमें देयर वाज नो बैटरी. तो इस वजह से क्या होता था कि लाइट अगर चली जाती थी तो कंप्यूटर ऑफ होता था, लेकिन एक तरह से और फिर बाद में उसको पावर देता था. तो अगर लाइट चली जाती थी तो यूपीएस कंप्यूटर को पावर देता था. एंड देयर इज डीएमए. इंपॉर्टेंट वन इज डीएमए. ये आप समझो, डीएमए की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. डीएमए इज फुल फॉर्म इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का क्या मतलब है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस अगर आप यहां से भी देखोगे, मतलब मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करना, मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करना. अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, मतलब इनपुट डिवाइस को अगर डेटा भेजना है किसको, मेन मेमोरी को, या अगर मेन मेमोरी से डेटा आउटपुट डिवाइस तक लेके जाना है, ठीक है, ठीक है, तो वो अगर वो डायरेक्टली कर पाए विदाउट इंटरप्टिंग द सीपीयू. मैंने आपको बताया कि कोई भी काम जो कंप्यूटर के अंदर होता है वो सीपीयू की निगरानी में होता है, वो सीपीयू की सुपरविजन में होता है. लेकिन उससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूजुअली स्लो होते हैं. अगर हम बाकी कंपैरिजन देखेंगे ना, तो मेन मेमोरी से सीपीयू तक जो डेटा ट्रांसफर होता है, ये सारी चीजें जो अंदर होती है मदरबोर्ड के ऊपर, वो बहुत फास्ट होती है. लेकिन सीपीयू से या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से जो डेटा आता है या वो वहां तक जाता है वो स्लो होता है इन कंपैरिजन टू अंदर जो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है. तो इस वजह से क्या होता है कि अगर इनपुट डिवाइस से कोई डेटा आ रहा है और सीपीयू, मतलब सीपीयू क्या करेगा, जैसे ही इनपुट डिवाइस पे आप प्रेस करोगे ना, कोई एक की प्रेस करोगे, तो वो डेटा यहाँ से आएगा मेन मेमोरी में. यूजली कुछ टाइम लगेगा, मे बी उसमें एक सेकेंड लगेगा, लेकिन कंप्यूटर के लिए एक सेकेंड बहुत होता है. तो तब तक सीपीयू को ऐसे ही देखते रहना है, उसको कुछ नहीं करना है जब तक कि यहाँ से डेटा पूरा मेन मेमोरी में ना आए. तो इससे क्या होता है, कंप्यूटर थोड़ा स्लो होता है. इस वजह से हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब होता है कि सीपीयू जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डायरेक्टली मेमोरी का एक्सेस दे देता है. वो मतलब उसके साथ छेड़खानी नहीं करता है. मतलब वो क्या करता है कि यहाँ पे एक कंट्रोलर होता है, एक कंट्रोलर एड किया जाता है बीच में, दैट इज डीएमए कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर. तो वो डीएमए देखता है इस डेटा ट्रांसफर. तो उससे क्या होता है कि सीपीयू जो है वो बाईपास हो जाता है, वो इससे दूर रहता है. तो अगर मैं इसको इंग्लिश में बताऊं तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज बेसिकली ए टेक्निक. ये एक टेक्निक है थ्रू विच इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कैन सेंड और रिसीव डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द मेन मेमोरी, बाईपासिंग द सीपीयू. सीपीयू को बाईपास करते क्या होता है, इट स्पीड्स अप द ऑपरेशन. इससे कंप्यूटर थोड़ा फास्ट हो जाता है. Is this clear to you? DMA क्या है? तो DMA is nothing but direct memory access. Input, output devices getting direct access to the main memory without interrupting the CPU. उसको हम DMA कहते हैं.